अपडेट करें आपको, सादिकाबाद में कौमी शाहरा आलू गोट के करीब ऑयल टैंकर लीक हो गया है। टैंकर में 50,000 लीटर पेट्रोल मौजूद है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज से। अहमद नवाज, बताइएगा इस पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या पुलिस एहलकार वहां पर पहुंचे हैं लोगों को हटाने के लिए और लोग जमा हुए हैं क्या? जी, ये सादिकाबाद कौमी शाहरा पर आलू गोट के मकाम पर ऑयल टैंकर में लीकेज हुई है। ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर जो पेट्रोल है वो मौजूद है। पेट्रोल को दूसरी टैंकर में जो है वो रेस्क्यू के जरिए जो है मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू के मुताबिक बाहिफाजत पेट्रोल मुंतकिल के इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। ऑयल टैंकर कराची से साहिवाल की तरफ जो है वो जा रहा था। रेस्क्यू 112 के अलावा पंजाब पुलिस और मोटर पुलिस के दूसरी मौके पर मौजूद है। ठीक है अहमद नवाज, हमें अपडेट कर रहे थे। अमूमन सूरत हाल कुछ इस तरह से होती है कि इस तरह जब ऑयल टैंकर लीक होता है तो लोग यहां पर से ऑयल जमा करने के लिए जमा हो जाते हैं यहां पर, लेकिन आज रेस्क्यू एहलकार यहां पर बड़ी तादाद में मौजूद है। उन्होंने एक टैंकर से दूसरे टैंकर में इस ऑयल को शिफ्ट करने की वहां पर काम शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।